हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गौरव खत्री। आज से मैं आपके लिए बीटेक के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है साइबर सिक्योरिटी, जो कि CS और IT दोनों ब्रांचेस में कॉमन सब्जेक्ट है। और मैं इसकी सभी यूनिट्स के जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के बीच में। तो आज से हम लोग साइबर सिक्योरिटी, हमारा सब्जेक्ट कोड है BT 409, इस सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद मैं रैपिडली एक के बाद एक लेक्चर्स जो हैं इसके अपलोड करता रहूँगा नेट पर, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे लेक्चर्स और सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएं। तो इससे पहले कि हम इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। देखिए, हम यहाँ से पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। हमारा कंप्यूटर है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम, उसमें जो प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर है और दूसरी डिवाइसेस है जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो इंटरनेट के थ्रू अगर कनेक्टेड है तो उस पर होने वाले जितने भी एक्सटर्नल अटैक्स हैं या फिर हैकर्स उनके डेटा को अटैक कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारे डेटा को हमको क्या करना रहता है, सिक्योर करना रहता है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी। ओके, ये तो बात हो गई साइबर सिक्योरिटी की। क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड सिस्टम, इंटरनेट से कनेक्टेड सिस्टम, प्रोग्राम्स, इन सबको हमको क्या करना होता है, एक्सटर्नल अटैक से सिक्योर करना होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की नीड हमको क्यों होती है। ओके, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डेटा। अब प्राइवेट डेटा से मीनिंग हो गया आपका इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया। ओके, तो इस तरह का जो भी डेटा है ये आपका क्या हो गया है, प्राइवेट डेटा। इस प्राइवेट डेटा को हमें एक्सटर्नल अटैक से या हैकर से प्रिवेंट करना होता है, इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी यहाँ पर, टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल डेटा। अब इंटेलेक्चुअल डेटा विच मीन्स जैसे कि आपने कोई रिसर्च की है, कोई प्रोग्राम बनाया है, उसको आप पेटेंट करवाते हैं या फिर उसको रजिस्टर करवाते हैं, तो इस तरह का आपका जो भी डेटा होता है उस डेटा की भी आपको सिक्योरिटी करना होगी। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेटा। आफ्टर दैट थर्ड थिंग इज टू प्रोटेक्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा। अब यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा से मीनिंग हमको समझ में आ रहा है कि मोस्टली हमारी कंट्री में हम लोग भी आजकल इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, और कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत सारे फ्रॉड होने की प्रॉबेबिलिटीज़ हो जाती हैं, हैकर्स हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का मिसयूज़ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में भी हमको क्या करना रहती है, सिक्योरिटी करना ज़रूरी होती है। ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट आपका। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी से हम लोग सभी जानते हैं, जैसे कि हर कंट्री का अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है, तो हर कंट्री चाहती है कि उसका डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल हो, अच्छे से कनेक्टेड हो। ओके, ताकि कोई दूसरी कंट्री है वो दूसरी कंट्री के साइबर अटैक से वो अपने सिस्टम को या अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करे, प्रोटेक्ट कर सके। तो नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू होता है यहाँ पर। आफ्टर दैट जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा को भी हमें क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। सेंसिटिव डेटा विच मीन्स ऐसा डेटा, सेंसिटिव डेटा ऐसा डेटा होता है जिस डेटा के लीक होने से या जिस डेटा के प्रसारित होने से दंगा भड़क सकता है या कुछ भी सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का वॉयलेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, अगर आपके अकाउंट को किसी ने एक्सटर्नल हैक अटैक करके हैक करके उससे कुछ ऐसा टेक्स्ट मैसेज वायरल कर दिया जिससे कि बहुत वायलेंस हो सकता है या दंगा हो सकता है, तो इस तरह का डेटा, सेंसिटिव डेटा, उस डेटा को भी हमको क्या करना रहता है, फैलने से प्रिवेंट करना रहता है। तो इन सब पांच जो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, इन सब के लिए हमको क्या होती है, ये किसकी ज़रूरत होती है, साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ओके, आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के गोल क्या है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के मेन गोल्स क्या होते हैं,
टू अचीव CIA को अचीव करना साइबर सिक्योरिटी के मेन गोल्स होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं CIA के। यहाँ पर सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स क्या होता है? सपोज अगर कोई भी मैसेज है, कोई इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ए से बी को सेंड हो रही है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, अगर ये इंफॉर्मेशन बिना अटैक किए दूसरे पर्सन तक प्रॉपरली पहुंच पा रही है, तो इस तरह का मैसेज अगर प्रॉपरली पहुंच पा रहा है तो विच मीन्स हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि वहाँ पर उस मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक नहीं हो रही है। जैसा मैसेज भेजा था वैसा ही मैसेज दूसरे पर्सन को एज इट इज़ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या प्रिवेंट करना रहती है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी इंटीग्रिटी। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, विच मीन्स क्या होता हैगा कि अगर सेंडर ए से बी को ओवर द इंटरनेट कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं हम, तो उस केस में क्या होता हैगा कि वो मैसेज हिंदी में अगर हम बात करें उसकी, तो उसकी प्रामाणिकता, इंटीग्रिटी मीन्स उसकी प्रामाणिकता, कि अगर इस पर्सन ने इस पर्सन को मैसेज सेंड किया है तो बीच में किसी थर्ड पर्सन ने उस मैसेज को अटैक करके एक्सेस तो नहीं कर लिया। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए हमको क्या अचीव करना रहता है? इंटीग्रिटी अचीव करना रहता है कि जो मैसेज ए ने बी को सेंड किया था वो एक्चुअल में उसी कंडीशन में मिला है या नहीं। तो इस चीज़ को हमको अचीव करना रहता है विद द हेल्प ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ओके, ये बात हो गई इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी के बाद में जो थर्ड चीज़ आती है यहाँ पर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी इस टर्म को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब भी रेलवेज में टिकट रिजर्वेशन करवाने के लिए जाते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन करवाते हैं, तो वहाँ पर जो भी डेटा होता है रेलवेज का, जो भी डेटा होता है, तो हम जब भी अप्लाई करते हैं वहाँ पर, तो टिकट्स कितने टिकट्स अवेलेबल हैं, जो भी डेटा अवेलेबल है वो हमको शो होता है। तो जितना भी डेटा इंटरनेट पर है और जिसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास में ऑथेंटिकेशन है, वो डेटा हमें हर टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। ओके, ये गोल किसका होता है? साइबर सिक्योरिटी का होता है कि जो भी डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं वो डेटा हर टाइम हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? साइबर सिक्योरिटी। तो ये तीन गोल्स थे, एक बार और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स अगर हम हिंदी में बात करें गुप्तता, मैसेज की गुप्तता। कोई भी मैसेज ए से बी को ओवर द इंटरनेट अगर सेंड किया है तो वो मैसेज की जो हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होना चाहिए? लूज नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ओके, विच मीन्स जो मैसेज है उसकी प्रामाणिकता लूज नहीं होना चाहिए। जैसा मैसेज ए ने सेंड किया था वैसा ही बी को मिला, उस पर कोई भी एक्सटर्नल अटैक करके उस मैसेज में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया हो, विच मीन्स इंटीग्रिटी। थर्ड चीज़ आती है आपकी अवेलेबिलिटी, वो आपका डेटा हमेशा आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक टर्म्स थी, हमने साइबर सिक्योरिटी की बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर ली। उसके बाद में एक और लास्ट चीज़ रह जाती है, अब हम इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। इसके बाद में दो मिनट का आपका अपन इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके ओर हम बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर अटैक की हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन 1969 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंड अ मैसेज लॉग इन। 1969 में सबसे पहले क्या हुआ था, एक कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक किसी स्टैंडर्ड रिसर्च जो यूनिवर्सिटी थी उसको एक मैसेज भेज रहे थे, वो लॉग इन नाम का एक मैसेज भेज रहे थे। तो जैसे ही वो लॉग इन नाम का मैसेज सेंड करते, उन्होंने जैसे यहाँ पर टाइप किया लॉग और उनका जो सिस्टम था वो क्रैश हो गया और केवल यही मैसेज सेंड हो पाया लॉग।
केवल कितना मैसेज सेंड हो पाया, लॉग। तब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड को इस चीज के बारे में पता चला था कि आपका सिस्टम क्रैश या हैक भी हो सकता है, उस पर एक्सटर्नल अटैक भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट इंसिडेंस था वो अप्रोक्स 1969 में हुआ था। ओके, तो ये तो बात हो गई पहला वाला। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, इन 1970 रॉबर्ट थॉमस नाम के एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट थॉमस थे, उन्होंने सबसे पहले जो वायरस क्रिएट किया था, क्या नाम था उसका, क्रीपर वायरस। इन 1970 रॉबर्ट थॉमस क्रिएटेड अ वायरस नेम क्रीपर वायरस। अब ये जो क्रीपर वायरस था, ये क्रीपर वायरस ऐसा वायरस था कि अगर ये किसी के सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता था तो वहां पर इस तरह का मैसेज शो होता था, आई एम क्रीपर वायरस कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। अगर किसी के सिस्टम में ये वायरस, किसी का सिस्टम इस वायरस से इफेक्टेड हो जाता था तो वहां पर ऐसा मैसेज शो होता था, कैच मी इफ यू कैन। उसके बाद में 70 के बाद 71 या 72 में इसका एक एंटीवायरस बना लिया गया था। उस एंटीवायरस को बनाकर फिर इसको डिलीट करने के लिए उसका यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड इंसिडेंस था, 1986 में जो रशिया था, रशिया ने सबसे पहले हैकिंग को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। रशिया ऐसी कंट्री थी जिसने 1986 में, रशिया ने सबसे पहले हैकिंग करके किसी भी कंट्री के डिफेंस सिस्टम पर अटैक करने की कोशिश की थी। तो यहाँ से इस टॉपिक, इस पॉइंट से हमको क्या समझ में आया कि सबसे पहली कंट्री कौन सी थी, रशिया, जिसने की हैकिंग या फिर किसी के डिफेंस सिस्टम को अटैक करने की कोशिश की थी। ओके, ये थर्ड पॉइंट है। उसके बाद में जो फोर्थ वाला जो इंसिडेंस था, 1988 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक वायरस या फिर हम कह सकते हैं एक प्रोग्राम को क्रिएट किया, और उनका इंटेंशन था कि वर्ल्ड में नेट कहाँ तक की फैला हुआ है, कितने दूर तक की फैला हुआ है, उन सब चीज़ की जानकारी लेने के लिए, उसको हैक करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम या एक वायरस को क्रिएट किया था। तो ये कुछ चार जो इंसिडेंट्स थे जो कि हम साइबर अटैक की हिस्ट्री में हम लोग देख चुके हैं। ओके, अब हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके।